शो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। शामिल आपसे जानना चाहते हैं इन दोनों के साथ कैसा लग रहा है काम करके, आप बताओ सबसे पहले। इन दोनों के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन दोनों के साथ काम करके। बहुत मस्ती करते हैं और मतलब दोनों बहुत स्वीट है, स्वीट गाय। आप दोनों बताइए, नॉर्मली कहते हैं कि बच्चे के साथ काम करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है बिकॉज़ वो इतने एनर्जेटिक रहते हैं जी, तो कैसा है शामिल के साथ काम करना? एनर्जेटिक तो बहुत ज़्यादा है ये, बट हम दोनों भी काफ़ी एनर्जेटिक हैं, अभी उतनी उम्र नहीं हुई है हमारी तो इसके साथ बिल्कुल चुप कर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मतलब हमें, मुझे तो लिटरली लगता है कि मैं बच्ची हूँ, छोटी। मैं ये मेरे को बोलती भी है कि दीदी मैं 10 ईयर्स की हूँ, आप 8 ईयर्स की हो अभी। मतलब हाँ ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी एनर्जी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही रहती है। सो ऐसा लगता नहीं कि बच्ची के साथ, कभी कभी हमें लगता है कि हम बड़ी के साथ ही काम कर रहे हैं क्योंकि शी इज़ सच गुड एक्टर कि लगता नहीं कि हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या है ना, वाइब मैच होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, किसी भी एज फैक्टर में क्यों ना कोई आर्टिस्ट हो, तो वो जो वाइब है ना हम सभी एक्टर्स की, यहाँ पे आपको सारे एज ग्रुप मिल जाएगा, बच्चा है, मिडिल एज है, फिर उसके बाद 40s के हैं, 50s के हैं, 60s के हैं। सो क्या है कि ना हमारा सबका वाइब मैच कर रहा है, और जब वाइब मैच करता है ना तो फिर एज डजंट मैटर। हम लोग इतना फन करते हैं, इतना मस्ती करते हैं कि सेट पे कि हमें लगता है कि वाओ यार, मतलब ऐसा लगता है कि हम किसी काम भी हो रहा है, पिकनिक पे हैं या एग्जैक्टली, तो काम भी हो रहा है और सीन्स भी इतने ब्यूटीफुली निकलते हैं ना बिकॉज वो फैमिली बन गई, और जब हम फैमिली बन जाएंगे तभी तो आपको भी फैमिली लगेंगे ना यार। यार क्या है कि आज तक कभी ऐसा किरदार किया नहीं मैंने जो कि ब्लाइंड हो, और सबसे बड़ा ये कैरेक्टर लेने का भी मेरा यही वो था कि मकसद कि कुछ वैसा करना है जो आज तक कभी नहीं किया, और ब्लाइंड आज तक टीवी में तो बिल्कुल खैर किया नहीं। और मैंने अभी यहाँ पे देखा कि एक्चुअल में ये कैरेक्टर के बहुत सारे शेड्स हैं, ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और डिफ़िकल्टीज़ तो बिल्कुल आ रही हैं, शायद आज के वर्कशॉप के बाद थोड़ी कम आएगी बिकॉज़ देखो आपको भी पता है कि शूटिंग लाइन में क्या होता है कि 2 टेक करने के बाद फिर कट हो जाता है, आप इमोशन में होते हो फिर कट हो जाता है, और हमको सब कुछ दिख रहा है, हम कैसे एक्ट कर सकते हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमको फील ही करना पड़ता है ना। सो वो फील बहुत ज़रूरी है, और वो फील लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत हो रही है, लेकिन आज जो नेचुरलिज्म की तरफ हमने देखा ना, तो आगे से हम भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा वैसा एक्ट कर सकें। यस यस, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपने कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा कोई कैरेक्टर लिया है अपने हाथ में, तो यू शुड डू अ जस्टिस विद इट, राइट। आपको ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द फेम और फॉर द सेक ऑफ मनी आपने हाँ कर दिया और अब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर टू परफॉर्म इट, एंड जितना अच्छा हम कर सके हमें करना चाहिए। इरिटेटिंग चीज़, इरिटेटिंग चीज़ तो कोई नहीं है, है शायद होगी कोई, नहीं मेरे को याद करनी, अच्छी तो बता दे यार जब तक मैं, एक अच्छी चीज़ है इनकी के मतलब ये कभी भी, मतलब कभी मैं जाऊँ या कभी भी इनके रूम में जाऊँ तो ये कभी ऐसे नहीं, जैसे ऐसे एक्टर्स होते हैं अभी रुक बाद में, ये वैसे एक्टर्स नहीं है कि बाद में आना, कभी भी रूम में चले जाओ इनके तो। और एक इरिटेटिंग चीज़ इनकी है कि मेरे को भी याद आ रही, 10 सिस्टम बता दे इनकी, तेरी इनकी एक इरिटेटिंग चीज़ है कि एक तो एक बार मैंने इनके लिए कार्ड नहीं बनाया पता है, मैंने इनके लिए कार्ड बनाया था इनके लिए, प्रीति डियर प्रीति दी करके मेरा छोटा बच्चा ऐसे करके बनाया था कार्ड इनको दिया, तो मैंने इनको दिखाया कि ये देखो कार्ड है ये, तो ये एकदम हो गया मेरे लिए तूने क्यों नहीं बनाया, तो मैं ये ऐसे बहुत ऐसे कर रहे थे, मैं कट्टी हूँ तो बाद नहीं मेरे से बुलवा कर ही बनाया है, तो ये चीज़ है इनकी के मतलब इनको चाहिए तो चाहिए वो चीज़ वो लेकर ही रहते हैं। हमारा शो 24 अप्रैल से आ रहा है, 8:30 शिमारू मंग पर।
सोमवार से शनिवार तक रात 8:30 बजे जरूर देखिएगा श्रवणी।